सोनीपत में एक महिला की घर खाली करने के नोटिस को देखते ही उसकी सदमे से मौत हो गई। महिला को नोटिस सिंचाई एवं नहरी विभाग के द्वारा दिया गया था। सोनीपत में गंदे नाले की सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर लगभग 500 लोगों को सिंचाई और नहरी विभाग के द्वारा घर खाली कराने के नोटिस दिए गए हैं। इन नोटिस को देखते ही एक महिला की सदमे से मौत हो गई। जो ड्रेन नंबर 6 है उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके अतिक्रमण किया हुआ है, तो जो ड्रेन का काम होना है अभी जो पक्का करने का काम होना है, कवर करने का काम किया जाना है, तो उसको लेकर उन लोगों का इंक्रोचमेंट हटाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने पीपी एक्ट में जो है मेरी न्यायालय में केस दायर किया है। संबंधित सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हम फॉलो करेंगे और उचित जो कार्रवाई बनेगी शीघ्र उसको पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज हमारे घरों को उजाड़ कर शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या यही हमारे अच्छे दिन है? सिंचाई विभाग के ड्रेनेज डिपार्टमेंट का भैंसवाल सब डिवीजन है, भैंसवाल सब डिवीजन के एसडीओ ने नोटिस भेजे हैं कि नाले के ऊपर, इस ड्रेन नंबर 6 के ऊपर जितने भी मकान बने हुए हैं वो अवैध हैं, उनको आप 3 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। फिलहाल मामला पीपी एक्ट में एसडीएम कोर्ट में है। एसडीएम का कहना है कि जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।